मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लाइकोपोडियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइकोपोडियम की सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो ये डिवीजन लाइकोफाइटा के अंदर आता है। जो क्लास है इसकी, इसको रखा गया इलिग्युलोप्सिडा क्लास के अंदर। ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडियेसी, और जो जीनस है वो है लाइकोपोडियम। सर्वप्रथम हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन और अक्रेंस देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम एक कॉस्मोपॉलिटन जीनस है जिसकी की 400 के करीब स्पीशीज पाई जाती है डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इसकी 33 स्पीशीज पाई जाती है। जो प्लांट है लाइकोपोडियम, हम उसको कॉमनली कहते हैं क्रीपिंग पाइन्स, ट्रेलिंग पाइन्स एंड क्लब मॉसिस के नाम से ये सामान्य रूप से पहचाना जाता है। तो लाइकोपोडियम है वो पाया जाता है मॉइस्ट एंड शेड लविंग प्लांट्स कहते हैं हम इसको, और यह छाया होती है वहां पे ही ये पादप पाया जाता है। अगर हम इसकी हैबिट को देखते हैं तो ये जो ट्रॉपिकल स्पीशीज जो इसकी है वो मैक्सिमम एपिफिटिक होती है एंड जो ट्री ट्रंक्स है उससे लटकती हुई दिखाई देती है। तो इसके जो उदाहरण है एपिफाइटिक स्पीशीज के वो है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम, लाइकोपोडियम लिनिफोलियम, लाइकोपोडियम फ्यूनिफॉर्म, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरियोइड्स एंड लाइकोपोडियम कैरिनेटम। इरेक्ट एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, तो जो इरेक्ट और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के जो उदाहरण हैं उसके अंदर आते हैं लाइकोपोडियम एनोटिनम, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम एंड लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम। क्रीपिंग फॉर्म्स हैं जो लाइकोपोडियम की हैं वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम इनुंडेटम एंड लाइकोपोडियम सर्नुअम। शॉर्ट क्रीपिंग स्टेम्स विथ इरेक्ट स्ट्रॉबिलस बियरिंग ब्रांचेस वाली जो स्पीशीज है वो है, जिनमें की जो स्टेम तो होती है शॉर्ट क्रीपिंग लेकिन उनपे इरेक्ट स्ट्रॉबिलस होते हैं ब्रांचेस के ऊपर। इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम ड्रोमोंडाई एंड लाइकोपोडियम कैरोलिनम। ये जो चित्र है ये लाइकोपोडियम का है। इसमें आप देखिए ये लाइकोपोडियम का स्टेम है और ये इसकी जो लीव्स हैं जिनको क्या माइक्रोफिलस लीव कहते हैं वो दिखाई दे रही है, और ये इनके टिप्स पे ब्रांचेस के टिप्स पे ये आप देखिए क्या है स्ट्रॉबिलस दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रॉबिलस है और ये लीफ बियरिंग स्टेम्स है। अगर हम इसकी जो प्लांट बॉडी है जिसे कि हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेम जो होती है, स्टेम इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड, द टू ब्रांचेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डाइकोटमी मे बी इक्वल एंड कंटिन्यू टू ग्रो अंडरगो फर्दर डाइकोटमी और द टू ब्रांचेस ऑफ अ डाइकोटमी मे बी अनइक्वल। तो जो उसका जो तना होता है स्टेम होती है वो डाइकोटमसली ब्रांच होती है, मतलब वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, द्विभाजी शाखित हम उसे कहते हैं हिंदी के अंदर। तो जो टू ब्रांचेस होती है वो बनती है डाइकोटमी के फलस्वरूप, वो बराबर भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार की जो से निकलती ब्रांचेस हम देखेंगे डाइकोटमस के फलस्वरूप इक्वल और अनइक्वल हो सकती है। जो टू ब्रांचेस होती है डाइकोटमी की, अगर वो अनइक्वल है तो एक तो रह जाएगी छोटी, वन ऑफ देम रिमेन स्मॉल एंड द अदर ग्रोज टू अ ग्रेटर लेंथ। एक तो जो स्मॉलर और द जो वीकर ब्रांचेस होगी वो उसका जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी और उसके टिप पे क्या स्ट्रॉबिलस ग्रो हो जाएंगे। दिस टाइप की जो ब्रांचिंग होती है वो कहलाती है अनइक्वल डाइकोटमी और हमें उसे कहते हैं सूडो मोनोपोडियल। इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम डेंसम, लाइकोपोडियम ऑब्सकनम। तो जो सूडो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है वो इन तीनों जो स्पीशीज है लाइकोपोडियम में पाई जाती है। द लीव्स इन ऑल द स्पीशीज आर सिंपल सिसाइल एंड पजेस अ सिंगल मीडियन वैन That fails to reach the leaf apex. Such leaves are called microphyllous or microphylls. जो leaves होती है, simple leaf होती है, sessile होगी वो, और उसमें जो median जो vein होता है, वो leaf apex तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी leaves को हम बोलते हैं microphyllous, दिखने में बहुत ही छोटी होती है प्रकार में।
द लीव्स आर स्केल लाइक, जिसे स्केल होते उस टाइप की दिखाई देती है जो लीफ होती है, लाइकोपोडियम डेंसम के अंदर, और द लीफ मार्जिन्स में भी एंटायर और सीरियड। जो मार्जिन्स होती है लीव्स की वो एंटायर हो सकती है और सीरेट मार्जिन हो सकती है। तो जो सीरेट मार्जिन का उदाहरण है लाइकोपोडियम सीरेटम, इसके अंदर सीरेट मार्जिन पाई जाती है। लीव्स के अंदर लिग्यूल नहीं पाया जाता है। लीफ अरेंजमेंट, अगर हम पर्ण विन्यास की बात करते हैं तो लीफ अरेंजमेंट में भी डेकोसेट हो सकता है उसका। डेकोसेट का उदाहरण है लाइकोपोडियम एल्पिनम और इवन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जैसे इसका उदाहरण है वर्टिसिलेटम और लाइकोपोडियम निकोयंस एंड लाइकोपोडियम सर्नुअम। इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑल द फॉलेज लीव्स आर यूजुअली अलाइक, बट द प्लांट्स ऑफ लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम एंड लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल आर हिट्रोफिलस। जो सामान्य पत्तियां होती है ज्यादातर जो लाइकोपोडियम के पादप हैं उनमें एक ही तरह की दिखाई देती है, उनमें हम कोई भेद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ये जो कॉम्प्लेनेटम और लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल है उसमें दो प्रकार की पत्तियां हमें दिख, तो सब बोलेंगे विषम पर्णी हिट्रोफिलस, दो तरह की पत्तियां अलग अलग दिखाए हम उसमें। जो सामान्य पत्ती है और जो बीजाणु पर्ण है हम उसमें विभेदन कर सकते हैं। रूट्स आर डाइकोटमसली ब्रांच एडवेंटिशियस एंड अराइज एंडोजीनियसली फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द प्रोस्ट्रेट स्टेम्स इन एन एक्रोपेटलस मैनर। रूट्स जो होती है इसकी डाइकोटमसली ब्रांच होती है, द्विभाजी शाखित होती है और एडवेंटिशियस होती है और अंदर से वो प्रोस्ट्रेट स्टेम्स के रूप में डेवलपमेंट होता है उसका। सब जीनरा ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो जीनस है उसको लाइकोपोडियम के पादप इतने वेरिएशन पाए जाते हैं कि इसको दो जनरा में बांटा था प्रिट्जेल ने 1900 में। इस जीनस को जो दो सब जनरा हैं वो है इसके रोपेलो स्टेकिया एंड यूरो स्टेकिया। जो रोपेलो स्टेकिया जो है सब जनरा, जो दिस सब जीनस इंक्लूड्स ऑल दोस स्पीशीज दैट हैव प्रोस्ट्रेट मेन स्टेम गिविंग आउट इरेक्ट सेकेंडरी ब्रांचेस। तो इस जो ये सब जीनस है इसके अंदर जो तना होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, विसर्पी होता है और उससे सीधी उधर शाखाएं निकलती है। तो इस प्रकार का जो प्रोफिलोस्ट्रेट टाइप की जो स्टेम्स पाई जाती है वो पाई जाती है लाइकोपोडियम क्लेवेटम एंड लाइकोपोडियम सर्नुअम। इस प्रकार के जो भी तना होता है उससे हमने इन्होंने प्रिट्जेल ने रोपेलोस्टेकिया जीनस के अंदर रखा, सब जीनस के अंदर रखा था। और जो यूरोस्टेकिया है इस सब जीनस के अंदर उन्होंने ऐसे लाइकोपोडियम की स्पीशीज को इंक्लूड किया था जो कि इरेक्ट होती है, उधर होती है मींस एंड एपिफाइटिक स्पीशीज होती है। इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम पिथोइड्स एंड लाइकोपोडियम सिलैगो एंड लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। द कैरेक्टर्स ऑफ सब जनरा, इन कैरेक्टर्स जो दोनों हम डिफरेंसेस देखते हैं दोनों सब जनरा के अंदर है, जो रोफेलोस्टेकिया है उसको एडवांस मानते हैं और यूरोस्टेकिया को हम प्रिमिटिव मानते हैं, आद्य प्रकार का मानते हैं यूरोस्टेकिया को और इसे हम मतलब एडवांस जनरा मानते हैं। जो रोफेलोस्टेकिया होता है इसके अंदर मेन स्टेम प्रोस्ट्रेट होती है, विषर्पी होती है, जबकि जो यूरोस्टेकिया सब जीनस है इसके अंदर उधर और पेंडुलस एरियल एक्सिस होती है, इरेक्ट होती है। जो रोफेलोस्टेकिया है द रूट्स में इमर्ज आउट एट एनी पॉइंट सो दैट द होल एक्सिस इज कवर्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। तो रूट्स क्योंकि ये उधर मतलब ये जो है ये है प्रोस्ट्रेट है, इसमें से विषर्पी है जमीन से लगा हुआ, तो इसमें जो रूट्स निकलती है वो कहीं से भी निकल के निकल जाती है। तो इस प्रकार की कहीं किसी भी पॉइंट से निकल सकती है स्टेम के। और जो एडवेंटिशियस रूट्स इमर्ज आउट एट द बेस इन यूरोस्टेकिया, जो यूरोस्टेकिया सब जीनस इरेक्ट है तो उसकी जो जड़ें होंगी वो कहाँ निकलेगी, नीचे से तो निकलेगी, इमर्ज आउट एट द बेस।
बुलबिल्स रेयर होते हैं इसके अंदर ऑफिलोस्टेकिया में, जबकि जो यूरोस्टेकिया सब जीनस है उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो होता है बुलबिल्स के द्वारा ही होता है। स्पोरोफिल्स स्पेशलाइज्ड होती है ऑफिलोस्टेकिया के अंदर, जबकि यूरोस्टेकिया के अंदर जो स्पेशलाइज्ड का अभाव पाया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो कि दोनों सब जनरा में अंतर क्या क्या है उनके द्वारा हम इन्हें विभेदित कर सकते हैं। थैंक यू।